चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जॉन इब्राहिम की सन 2003 से लेकर सन 2006 तक सभी फिल्मों के बारे में, यानी कि जॉन इब्राहिम ने कितनी फिल्मों में काम किया था, इनकी मूवी कितनी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, कितनी फ्लॉप, तो सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। जॉन इब्राहिम की सबसे पहली फिल्म आई थी सन 2003 में, फिल्म का नाम था जिसमें। ये मूवी सन 2003 में आई थी। इसमें जॉन इब्राहिम के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। इस फिल्म का वजन 3 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 12 करोड़ रुपए कमाई थी और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई थी। जॉन इब्राहिम की अगली फिल्म थी साया। ये मूवी सन 2003 में आई थी। ये फिल्म, इसमें जॉन इब्राहिम के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। इस फिल्म का वजन 3.5 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 5 करोड़ रुपए कमाई थी और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हुई थी। जॉन इब्राहिम की अगली फिल्म थी पाप। ये मूवी भी सन 2003 में आई थी। ये फिल्म, इस फिल्म का वजन 3 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 4.1 करोड़ रुपए कमाई थी और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हुई थी। जॉन इब्राहिम की अगली फिल्म थी एतवार, जो कि सन 2004 में आई थी। ये फिल्म, इसमें जॉन इब्राहिम के साथ बॉलीवुड के सुपरस्टार अनीता बच्चन भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 9.90 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 8.05 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हुई थी। जॉन इब्राहिम की अगली फिल्म थी लकीर, जो कि सन 2004 में आई थी। ये फिल्म, इसमें जॉन इब्राहिम के साथ सुनील शेट्टी, सोहेल खान और सन्नी देओल भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 16 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 9.10 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी जॉन इब्राहिम की सन 2004 में, फिल्म का नाम था धूम। इसमें जॉन इब्राहिम के साथ अभिषेक बच्चन भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 11 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 72.50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई। जॉन इब्राहिम की अगली फिल्म थी मदहोशी। ये मूवी सन 2004 में आई थी। ये फिल्म, इस फिल्म का वजह 7.41 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 5.60 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हुई। जॉन इब्राहिम की अगली फिल्म थी ऐलान, जो कि सन 2005 में आई थी। ये फिल्म, इसमें जॉन इब्राहिम के साथ मिथुन चक्रवर्ती भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 12 करोड़ रुपए कमाई थी। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने
22 करोड़ से कम का कलेक्शन किया था और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। जॉन इब्राहिम की अगली फिल्म थी कर्म, जो कि सन 2005 में आई। अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस फिल्म का बजट 6 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 8 करोड़ 25 लाख रुपए की शानदार कमाई की थी और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई थी। जॉन इब्राहिम की अगली फिल्म थी काल, जो कि सन 2005 में आई थी। ये फिल्म, इसमें जॉन इब्राहिम के साथ अजय देवगन भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस फिल्म का बजट 13 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 33 करोड़ रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। जॉन इब्राहिम की अगली फिल्म थी बाबुल, जो कि सन 2006 में आई थी। ये फिल्म, इसमें जॉन इब्राहिम के साथ अनीता बच्चन, सलमान खान और रानी मुखर्जी भी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 26 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 39 करोड़ रुपए कमाए थे और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। जॉन इब्राहिम की अगली फिल्म थी काबुल एक्सप्रेस, जो कि सन 2006 में आई थी। ये फिल्म, इसमें जॉन इब्राहिम के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस फिल्म का बजट 12 करोड़ 30 लाख रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 22 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हुई। जॉन इब्राहिम की अगली फिल्म थी सलामे इश्क, जो कि सन 2006 में आई थी। ये फिल्म, इसमें जॉन इब्राहिम के साथ अनिल कपूर, सलमान खान भी अहम किरदार में थे। और दोस्तों अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 52 करोड़ 50 लाख रुपए था। अगर हम बात करें बॉक्स ऑफिस इंडिया की तो इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाए थे 43 करोड़ 44 लाख रुपए, यानी कि 43 करोड़ 44 लाख रुपए की शानदार कमाई की थी और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई थी, क्योंकि इसमें बहुत बहुत बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन ये मूवी तो अभी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से डिजास्टर साबित हुई थी। तो दोस्तों ये रही सन 2003 से लेकर सन 2006 की सभी फिल्में जॉन इब्राहिम की। तो जॉन इब्राहिम की इन सभी मूवियों में से कौन सी मूवी आपके ज़्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों इससे अगले जॉन इब्राहिम की फिल्मों पर वीडियो बनाना चाहिए क्या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।